एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली आप सभी स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें यही मेरी अभिलाषा है अभी आपने स्टार्टिंग में देखा ना हमारी चिरी चिरे के बच्चे बड़े हो गए हैं किलकारियाँ तो ही रही थी अब उनके पंख में निकल आए आज पहला कदम रखा उन्होंने इस कोने से इनका घर था ना घोसला ये वाले से ये इधर ऊपर उनका घोंसला हुआ करता है और वहाँ से चल चल के वो यहाँ आ गए ऊपर थोड़ा बढ़े धीरे 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 और फिर अभी आज मुझे लगता है कि वो पंख अपने फैलाएंगे और फिर वो उड़ जाएंगे ऐसा ही हुआ है हमेशा एक ही दिन ऐसा हुआ कि बच्चे थोड़े से बाहर आए झांका उन्होंने और थोड़े से चार कदम बढ़े फिर एकदम से वो उड़ के चले जाते हैं मतलब आज शायद चले जाएंगे अब वो अचानक से जाएंगे तब तो हमें नहीं पता चलेगा लेकिन आसार पूरे लग रहे हैं कि आज वो जाने वाले हैं उड़ कर के और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ मैंने आज राजमा उबालने रखा है शुभी आई हुई है घर में तो उससे पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ तो जब वो जो चीज़ें बोल देती है कई बार वो कुछ ऐसा बोला दो तीन चीज़ें बोल दी तो बनना तो एक ही चीज़ है तो राजमा उसने बोला था तो वही बना रही मैं एक कप राजमा मैंने रात में भिगोया था और सुबह मैंने बॉयल करने रखा हुआ है तीन चार सीटी अच्छे से ले ली हैं राजमा एकदम परफेक्ट बॉयल हो गया है मैश हो रहा है इसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है अब कुकर को धुल करके साफ करके कपड़े से पोछ करके इंडक्शन में रखा उसमें तेल गरम करने रखा साथ में जीरा डाला है और ये कूटे हुए गरम मसाला मतलब गरम मसाले को मैंने कूट लिया है और तेज पत्ता डाला है अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है हींग डाला है अब सबको भून लेंगे अदरक और हरी मिर्ची को मैंने ऐसे कूट लिया है वो डाला है कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ये बारीक पिसा हुआ प्याज़ मैंने लहसुन नहीं डाला है जब मैंने पीसा है ना अदरक और हरी मिर्ची तो मैंने उसमें लहसुन का यूज़ नहीं किया है आप चाहें तो डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ को अच्छे से भून लिया साथ में सूखे मसाले लिए हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ये है टोमेटो प्यूरी दो टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पूरा प्योर तैयार किया और वो डाल करके मिक्स कर लिया सूखे मसालों के साथ में टमाटर प्याज सब अच्छे से भुन जाए ना धीमी आँच करके भूना है इसी टाइम पर मैंने नमक भी डाला है थोड़ा सा क्योंकि बॉईल करते समय भी मैंने राजमा में डाला है नमक इसलिए जो मसाला है उसके हिसाब से नमक डाल के भुना टमाटर जल्दी से एकदम सॉफ्ट सा हो गया है पूरा अच्छे से भुन गया है और ये कुकर में जैसे नहीं चिपक सा रहा है मसाला पूरा भुन गया है अब मैंने यहाँ पर दो चम्मच के जितना घी डाला है घी गर्म होने के बाद एक चम्मच कसूरी मेथी डाली है कसूरी मेथी गरम गरम घी के ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया भून लिया तो इस टाइम पे ना कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इस टाइम पे घी के साथ कसूरी मेथी का एक अलग ही जायका होता है बस ये जब मसाला अच्छे से परफेक्ट भून चुका है इसी टाइम पे मैंने डाला है बॉयल्ड राजमा राजमा बॉयल करते वक्त थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा था और वही पानी मैंने इसमें सारा सब्ज़ी में मिक्स कर लिया लिड लगा दी है और फिर से मैंने यहाँ पर दो वे लेना चाहा एक ते, तेज़ आँच में फिर आँच धीमी करके और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर चावल धुल के रख लिए हैं जब तक यहाँ कुकर में दोबारा से राजमा बॉईल हो रहे हैं इस तरह से ना मसाला भी अच्छे से राजमा में टेस्ट आता है अच्छा और राजमा अच्छा सा गल जाता है और जुमले मसाले भुने हैं सब पूरा टेस्ट परफेक्ट दूसरी साइड मैंने कुकर रख दिया है क्योंकि दो तो तीन सीटी हो चुकी थी फिर छोटे कुकर में मैंने डाला है घी और उसमें जीरे डाले हैं साथ में तेज पत्ता डाला है और घी में जीरा और तेज पत्ता अच्छे से भुन जाने के बाद जो चावल धुल के रखे थे ना वो चावल डाल दिए हैं चावल पहले से कुछ मिनट धो के रखो तो चावल बहुत सॉफ्ट और नरम बनता है मैं जीरा राइस बना रही हूँ साथ में थोड़ा सा नमक डाला है और नमक डालने के बाद चावल को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे घी के साथ में जब घी में भूनने के बाद चावल में अच्छी सी शाइन आती है ना तो जीरा राइस का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और खिला खिला बिखरा बिखरा चावल बनता है दूसरे कुकर में बंद रखे हैं ना राजमा जब पूरी स्टीम निकलेगी तभी हम खोलेंगे और यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद मैंने चावल में पानी डाला है तो जीरा राइस होगा ये कुकर अक्सर ही मेरे से पूछते हैं विवर्स कि कितने लीटर का है तो ये डेढ़ लीटर का है वन पॉइंट फाइव लीटर और मैं इसमें राइस बनाती हूँ प्लेन राइस हो या जीरा राइस तो राजमा और राइस हैं राजमा की पूरी स्टीम निकल चुकी है दोबारा से मैंने लेड खोली है परफेक्ट राजमा पहले से बॉयल था लेकिन मसाले के साथ में वो और अच्छा सा सॉफ़्ट भी हो गया है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया और राजमा रेडी हो गया लंच में बनाओ या डिनर में बनाओ आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और मैंने इसको हांडी में निकाल करके ट्रांसफर कर लिया अब कुकर की भी ये राइस कुकर की भी स्टीम पूरी निकल चुकी है एक फिसल के बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ या आँच बंद कर देती हूँ जैसे कि इंडक्शन वग़ैरह और धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर दिया साइड में रख दिए दोनों कुकर और मतलब चावल का कुकर और राजमा की हांडी और फिर मैंने फुल के सेकना शुरू किया गुप्ता जी की ड्यूटी है तो वो तो ड्यूटी में गए हुए हैं लंच टाइम पे आने को बोला है लेकिन लेट भी हो सकते हैं इसलिए मैं खाना बना के रख दे रही हूँ जब बच्चों को भूख लगे तो वो खा सकते हैं और तो रोटियाँ भी सीख गई हैं घी लगा के मैंने साइड में रख दिया है और अभी भूख नहीं है शुभी को खाना नहीं है और कुछ खाना है तो मैंने मैलन निकाला है कट किया है क्योंकि अभी मैलन खा लो मैंने उसे बोला है फिर जब शुभम आएगा तब साथ में खाना खाएंगे मैलन शुभ कह रही थी कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैंने कहा मैलन रखा है वही खा लो फिर बाद में सब साथ में लंच ले कर लेंगे बहुत मीठा है हाँ सच में बहुत यहीं बालकनी में बैठी रहती है हवा भी अच्छी है तेज़ धूप नहीं है फिलहाल आज शुभम का लास्ट एग्ज़ाम है और सुबह उसके पापा उसको छोड़ के चले गए थे ड्यूटी के लिए अब मैं उसको लेने गई वापस ले आई शुभम को आज उसका लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का था और जब तक वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहा है थाली लगाई है मैंने हम तीनों की गुप्ता जी तो अभी नहीं खाएंगे मतलब तो अभी नहीं आए हैं और मैंने उरद की दाल के पापड़ भुने हैं जो कि शुभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अभी जब से घर आई है तो आज पहली बार वो उड़द के पापड़ खा रही है भुना हुआ प्याज नींबू शुभी खाती है शुभम तो नहीं लेता है राजमा चावल रोटी हमारा यही सिंपल लंच है नींबू निचोड़ रही हूँ प्याज में मैंने रखा है ना साइड में उसको तो शुभी की प्याज के लिए उसको अच्छी लगती है खाना नींबू निचोड़ के खाना खाने के बाद बच्चों को आइसक्रीम खानी थी रखी हुई है मार्केट से ही लाए थे एक दिन तो शुभम ने खाई थी फिर दो तीन दिन से रखी है अब शोभी आई है तो दोनों ने निकाल है दोनों भाई बहन खा रहे हैं शोभी के आने से शुभम को भी अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बेचारा एक साल से अकेला था किसी चीज़ में शेयरिंग भी नहीं हुई अब तो हो शुरू हो गई है और शाम का टाइम है बच्चों को कुछ नाश्ता बना रही हूँ खाना खाने के बाद तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी आराम कर लिया फिर सो क्यों चाय मेरी हो चुकी है और मैं इन लोग को पूछ रही हूँ कि दूध बना दू दो बच्चों को तो मना ही कर रहे हैं अभी नहीं अभी नहीं लेकिन हाँ मैक्रोनी खाने का मन है बच्चों का तो मैं वही सोच रही हूँ थोड़ी सी मैक्रोनी बनाती हूँ इनको इसके बाद फिर देखेंगे इनको क्या आगे खाना है ये है मैक्रोनी पास्ता बॉईल कर रही हूँ मैं पहले ये मैक्रोनी मैंने वन कप से थोड़ी ज़्यादा ही ली है और इसे बॉईल करने के लिए कढ़ाई में ज़्यादा सा पानी डाला है साथ में ये स्वीट कॉर्न और थोड़े से हरी मटर तो फ्रोजन स्वीट कॉर्न है और फ्रोजन हरी मटर जो कि मैं स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में वही है अभी आइस निकाल करके फ्रीज़र से धो लिया है पानी से फिर मैंने इसके साथ में ही बॉयल करने रखा है नमक और तेल डाला है बस इसको बॉईल किया ढक के रख दिया है बॉईल हो रहा है तब तक इसके लिए प्याज चाहिए है और ला टमाटर शुभम को चॉपर से बारीक करने मज़ा आता है तो वो प्याज चॉप कर रहा है मेरी हेल्प कर रहा है और यहाँ पर जितनी देर हम लोगों ने चॉपिंग कटिंग कर लिए पास्ता मैक्रोनी बॉईल हो गया है इसे मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है थोड़े से हरी मटर और फ्रोजन स्वीट कॉर्न डालने से ना वो लाल हरा पीला वाला जो ये कलर दिखता है मुझे बहुत पसंद है तीन कलर पैन में मैंने तेल गर्म किया है बारीक कटी हुई लहसुन डाली है आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन को मैंने अच्छे से फ्राई किया फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है साथ में मैंने डाला है बारीक कटा हुआ प्याज और ये हैंड चॉपर से कितनी फाइन चॉप प्या हो जाती है बहुत अच्छा बारीक होता है इसे आप राजमा या छोले की ग्रेवी के लिए भी इतनी ही बारीक प्याज करके भी बना सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आता है ग्रेवी का मैंने अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है और प्याज अदरक लहसुन सब अच्छे से परफेक्ट फ्राई हो जाएँ हरी मिर्ची भी बारीक कट कर डाली है साथ ही एक टमाटर को बारीक कर लिया है चॉपर से एकदम फाइन ये भी बढ़िया छोटा छोटा हो जाता है या फिर आप प्यूरी बना के डाल सकते हैं वैसे इतना फाइन चॉप किया टमाटर कि वो भी अच्छे से भुन जाता है ये मैंने मैगी मसाले का पैकेट डाला है एक पैकेट मसाला साथ में दो चम्मच इतना डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये है मेयोनीज तो दो चम्मच करीब मेयो भी डाल लेंगे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस और मेयो और इसमें नमक जरा सा डाला है अभी टमाटर के साथ में ये प्याज़ टमाटर और जो पेस्ट हैं सारे मिक्स हो जाएं अच्छे से भुन जाएं फिर उसके बाद स्वीट कॉर्न और ये हरी मटर और जो मैक्रोनी पास्ता हमने बॉईल की थी ना छन्नी में छान के रखा था उससे पूरा पानी जट जाता है फिर उसे मिक्स कर लिया अच्छे से भून लिया है बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट और टेक्सचर है परफेक्ट है इसमें स्पाइसेस और अब चीज़ क्यूब है वो पूरी ग्रेट करके डाल देंगे क्योंकि बच्चों को चीज़ के साथ में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में और मम्मी को बिना हरा धनिया डाले चैन नहीं तो बारी कटा हुआ धनिया पत्ता चरा सा डाल दिया है और ये हमारी मैक्रोनी पास्ता रेडी हो गई है बस इसको एक बार मिक्स कर लेंगे फाइनली हरा धनिया और साथ में चीज़ के साथ ये सॉफ़्ट है जूसी है और बच्चों को तो बहुत पसंद होती है ऐसे बस शाम में कभी बच्चों को भूख लगे अब गर्मी के दिन रहते हैं कई बार शाम में कुछ खाना है तो ये जल्दी भी बन जाता है और यहाँ तो फ़िलहाल ये है कि शो आई हैं तो उनकी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं घर में आके वो चीज़ें खानी हैं तो मैकरोनी पास्ता कई बार वो फ़ोन पे बात कर रही होती थी सुनती थी ना कि आज ये बना है वो बना है तो बोलती थी मैं आऊँगी तो मैं ये खाऊँगी बच्चे तो मैक्रोन क्रोनी खा के खुश और पापा हैं ड्यूटी में अभी गुप्ता जी आए नहीं है देर से ही आएंगे और जब वो आएंगे फिर खाना होगा थोड़ा थोड़ा देर से ही होगा तो आज चूंकि मैंने सुबह भी शूट किया था और अभी किया तो मैं सोच रही हूँ अब रात में शूटिंग नहीं करती कल मॉर्निंग शूट करूँगी कल फिर शुभी की पसंद का कुछ बनाना है तो उसकी तैयारी करनी है दही जमाने वाली हूँ रात में अभी कल बनाएंगे हम क्या बनाएंगे बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा Thanks for watching. Bye bye.